व्हाट इज अप एंटास्टिक स्क्वाड, क्या हाल चाल। तो रेडर 6 में जो गन रिकॉयल है वो बहुत ज़्यादा है एंड वो और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम कोई भी स्कोप यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि आप जो रिकॉयल है उसको कम कैसे कर सकते हो। तो चलो फिर लेट्स बिगिन द वीडियो। तो चलते अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड वहाँ मैं आपको शो करता हूँ कि किस टाइप से होगा। तो चलो फिर ओके, ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ गए हैं। तो यहाँ से गन वगैरह उठा लेते हैं। तो एक मैं ले लेता हूँ AK-47 और दूसरी M4A1 एंड स्कोप भी सारे उठा लेते हैं। 2X 4X 6X 8X सारे ही बताऊंगा मैं आपको। तो चलो फिर चले आगे चलते हैं, किधर की तरफ जाया जाए। ओके यहाँ पे ठीक है, सामने वो भी दिख रहा है। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं टैक्टिकल या फिर हॉलो स्कोप से, वो जो डिफॉल्ट में देखने को मिलता है हर गन में। तो स्कोपिंग करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं फायर कर रहा हूँ एंड जो रिकॉयल है वो मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एंड अगेन एक और बार देखते हैं, जो रिकॉयल है वो ज़्यादा ही है। तो चलो फिर अब चलते हैं अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में चल के सेंसिटिविटी सेटिंग में जाएंगे एंड अपन जाएंगे कैमरा सेंसिटिविटी पे। एंड यहाँ पर आपको दिखेगा एक टैक्टिकल स्कोप का, उसको हम 5 बढ़ाएंगे, मतलब 5 नंबर हम बढ़ाएंगे। एंड अब ट्राई करते हैं, बढ़ा दिया मैंने एंड अभी ट्राई करते हैं स्कोपिंग करके। ओके हो गया, ओके ठीक है, पहले से तो बेटर है। एक और बार ट्राई करके देखते हैं। ओके सही है, पहले से बेटर है, कंट्रोल में आ रहा है। तो आप ट्राई करते हैं 2X को। तो चलो फिर ओके, जो आप देख सकते हो रिकॉयल वगैरह हो ही रहा है इसमें, ज़्यादा नहीं है बट है, स्टिल है। तो एक बार और ट्राई करते हैं इसको। ओके ट्राई कर लिया है, रिकॉयल में से ज़्यादा मिल रहा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार और ट्राई करके फिर चलते हैं सेटिंग्स में, रिकॉयल है ही। तो आप चलते हैं अपनी सेटिंग्स पे, सेटिंग में जाके सेंसिटिविटी, कैमरा सेंसिटिविटी एंड 2X पे जाके इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 54 के आसपास, 55 कर दिया। आप देखते हैं अभी ज़्यादा ही लग रही है तो घटाना ही पड़ेगा, कम डिक्रीज करते हैं। तो आप कर सकते हो, आप सेट करके अपने हिसाब से रखो एंड उसके बाद आप बार बार चेक करते रहो, जिसमें आपको कम रिकॉयल मिलेगा तो आप उस सेटिंग को सेट करके रख सकते हो। तो मैंने डिक्रीज कर दिया, 48 पे कर दिया है एंड 48 पे देखते हैं स्कोपिन एंड ठीक है, बेटर है। 48 पे मेरा फिक्स है तो मैं 48 पे रखने वाला हूँ। एंड अब चलते हैं अपने, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं 4X पे एंड स्कोपिन करते हैं। अबे ये तो बहुत, अबे इसका तो बहुत ज़्यादा है रिकॉयल यार, बहुत ज़्यादा है। तो इसको ट्राई करते हैं, सेटिंग्स में चलते हैं एंड अगेन कैमरा सेंसिटिविटी और 4X पे जाके इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। 17 कर दिया मैंने, चलो देखते हैं। अब रिलोड कर लें फिर उसके बाद दोबारा से स्कोपिंग करते हैं एंड देख सकते हो अगेन बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, अभी स्टिल है। तो दोबारा से सेटिंग्स पे चलते हैं एंड दोबारा से इसकी चेंज करते हैं थोड़ी एंड थोड़ा और इंक्रीज कर दिया मैंने 25 के आसपास। तो अब देखते हैं, अब ट्राई करते हैं, अभी फिर रिलोड करना पड़ रहा है बार बार एंड अब देखते हैं। हाँ अब बेटर लग रहा है, थोड़ा पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड इसके अलावा एक बार और ट्राई करें सेटिंग्स का और थोड़ा और इंक्रीज कर देते हो कि 30 कर दिया मैंने, 31 कर देते हैं, चलो 31 कर दिया एंड अब देखते हैं। एंड देखो बेटर है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, तो मैं इसी को रखने वाला हूँ। सो अब ट्राई करते हैं 6X एंड आप देख सकते हो इसका तो कुछ ज़्यादा ही स्कोप है और भाई रिकॉयल भी खतरनाक है इसका, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जितना बड़ा स्कोप हो रहा है उतना बड़ा रिकॉयल भी ज़्यादा हो रहा है। तो देख सकते हो आप इस टाइप से कुछ है, तो इसको चेंज करते हैं एंड चलते हैं सेंसिटिविटी पे एंड 6X एंड ये 9 पे है तो इसको और इंक्रीज करके अपन ने 16 कर दिया। अब ट्राई करता हूँ, मुझे लग रहा है अभी थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा शायद, नहीं यार ठीक लग रहा है। तो इनको दोबारा ट्राई करते हैं, पहले से बहुत बेटर है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। एंड ऐसे ही आप 8X का भी कर सकते हो, मेरी पे जो दोनों गन थी उस पर 8X लग नहीं रहा था, सो दैट्स व्हाई मैं शो नहीं कर पाया। बट आप सेम जो सेटिंग्स है, सेम तरीका जो प्रोसेस है वो सेम ही है, उस पर जाके और आप सेट कर सकते हो। एंड अगर आप गायरो यूज़ करते हो तो अगेन गायरो पे भी आपको सेम करना है, वही अगेन सेटिंग्स पे जाना है, सेंसिटिविटी पे जाना है। बट इस टाइम पे आपको गायरो की सेंसिटिविटी पे जाना है, गायरो सेंसिटिविटी पे, एंड वहाँ पे जाके जो इतने भी स्कोप्स वगैरह हैं उन सबको ऐसे ही सेम प्रोसेस है कर देना है। एंड मैं गायरो यूज़ करता नहीं हूँ तो इसलिए वो मैं शो नहीं कर पाया। बट अगर आप चाहते हो कि मैं गायरो यूज़ करूँ, गायरो का यूज़ करके एक गेम प्ले डालूँ, तो आप कमेंट में बता सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
और यार अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, डोंट फॉरगेट, यू आर फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। I'm not afraid to die.